नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, नॉर्मली सरकार ऐसा कोई भी फैसला लेती है जो जनहित में होता है, जो आम लोगों के हक में होता है, उसका सब जगह स्वागत किया जाता है और कोई भी उसका विरोध नहीं करता है। तो दोस्तों, ऐसा ही एक डिसीजन लिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, बट इसका जो देश के बड़े मजदूर संगठन है जो उसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम हड़ताल करेंगे अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो। और वो हड़ताल जो होगी वो देशव्यापी हड़ताल होगी, सरकारी महकमे सभी इसके खिलाफ हैं। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा डिसीजन ले लिया केंद्र सरकार ने जिसको जनहित में बताया जा रहा है, पर ये मजदूर संगठन या फिर कुछ सरकारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो सरकारी क्षेत्र हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि मार्च से लेके अब तक कई सारी प्राइवेट कंपनियां ऐसी हैं जिन पे ताला लग चुका है, जो बंद हैं, और हजारों लाखों लोगों ने अपनी जॉब खो दी है। प्राइवेट सेक्टर लगभग रैंक रैंक के चल रहा है, ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में सर्विस सेक्टर में, सरकारी सर्विस सेक्टर है जो थोड़ा बहुत चल रहा है, उस पर भी अगर ये मजदूर संगठन अगर हड़ताल पर जाने की बात करेंगे तो ऑलरेडी हमारी GDP जो 24% गिर चुकी है। जिन लोगों को पता नहीं है, GDP होते हैं आपका सकल घरेलू उत्पाद देश का, तो वो ऑलरेडी -24% जा चुका है। इस पर अगर ऐसे ही सरकारी कंपनियां या सरकारी मजदूर या सरकार के जो वर्कर है, जो कर्मचारी हैं, वो अगर हड़ताल पे चले जाएंगे तो और ज़्यादा नुकसान होगा देश को। तो ऐसी कौन सी वजह है जिसमें ये लोग हड़ताल पे जाने की बात कर रहे हैं, इसी पे हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि कोरोना के एक दिन में लगभग 90,000 प्लस केसेस आ रहे हैं इंडिया में, एक दिन के 90,000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप देखिए, वो दिन दूर नहीं है जब तकरीबन एक लाख केस एक दिन में आने शुरू हो जाएंगे। ब्राज़ील को छोड़ के हम दूसरे नंबर पे आ चुके हैं, ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया है। वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका को भी हम पीछे छोड़ने वाले हैं और कोरोना के सबसे ज़्यादा केस इंडिया में होने वाले हैं, अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो। अभी भी समय है दोस्तों, हमें सुधरना होगा। चलिए दोस्तों, कोरोना को पीछे छोड़ते हैं, आगे हम बात करते हैं। मैं बात कर रहा था उस खबर की जिसमें केंद्र सरकार ने पिछले दिनों में कहा था कि सरकारी नौकरी करने वाले, सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, अगर उसने अपनी जॉब के 30 साल पूरे कर लिए हैं या फिर उसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, जो उनके जो संस्थान है, उनका जो डिपार्टमेंट है, वो क्या करेगा कि उस व्यक्ति का कार्य, उसका जो कार्यकाल है उसको देखेगा। इस कार्यकाल में नंबर वन, कहीं इसमें कोई करप्शन का केस तो नहीं है, कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त तो नहीं है। दूसरा, अटेंडेंस देखी जाएगी कि ये रेगुलर आते हैं नहीं आते हैं, अटेंडेंस कितनी है इनकी। तीसरा, क्या ये अभी भी कार्य करने में सक्षम है या नहीं है, ये तीन चीज़ देखी जाएंगी। उसकी काइंड ऑफ ऑडिट होगी और उसके बाद अगर वो फेल होते हैं उसमें, अगर पाए जाते हैं कि हाँ ये कहीं पे करप्शन में लिप्त थे या काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर ये आते ही नहीं है काम पे, तो फिर उनको बोला जाएगा कि आपने 30 साल काम कर लिया या फिर 50 साल आपकी उम्र हो चुकी है, अब आपको रिटायर हो जाना चाहिए, उनको फोर्सफुली रिटायरमेंट दे दी जाएगी। तो ऐसे में ये डिसीजन था। दोस्तों, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको पता होगा कि जो लोग प्राइवेट में काम करते हैं वो ऑलरेडी इन ये नियम उन पर ऑटोमेटिकली लागू होते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कोई भी बंदा अगर करप्शन करता हुआ पकड़ा जाता है तो जीरो टॉलरेंट पॉलिसी होती है, सीधे बाहर कर दिए जाते हैं, करप्शन नॉट अलाउड इन प्राइवेट सेक्टर। पता नहीं सरकारी में कब से, एक सालों से क्यों चला आ रहा है, पता नहीं कब बंद होगा। दूसरा, अटेंडेंस, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं, अगर आप रेगुलर ऑफिस जाएंगे नहीं, अटेंडेंस आपकी कम होगी, तो आपको वार्निंग लेटर मिल जाएगा। दो के बाद, किसी किसी कंपनी में 3 वार्निंग लेटर मिलने के बाद फिर आपको जो नौकरी से निकाल दिया जाता है। और तीसरा, अगर आप काम नहीं करते हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं जा रही आपकी, तो भी आपको जॉब छोड़नी पड़ती है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं तो आपको ये नियम नहीं है कि 30 साल तक आप काम करेंगे उसके बाद बोलेंगे भाई जॉब छोड़ दो, कभी भी निकाल देते हैं अगर आप प्रोडक्टिव नहीं है या फिर आपने करप्शन किया या फिर आप रेगुलर नहीं आ रहे हैं, तो किसी स्पेशल सर्कमटेंसेस में, डिफरेंट सर्कमटेंसेस को छोड़ के, ठीक है दोस्तों। बट अगर ये सरकारों, जो सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं, अगर उनके लिए नियम लाया जा रहा है तो इसमें बुरा क्या है? अगर आप ईमानदार हैं, अगर करप्शन में आप लिप्त नहीं हैं और आप रेगुलर आते हैं अपने काम को, आप तवज्जो देते हैं, काम करते हैं काम की तरह, तो फिर दिक्कत क्या है? तो फिर मतलब इस डिसीजन से दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को। सरकार ने ऐसा तो नहीं बोला कि 30 साल पूरे होते आपको रिटायर कर दिया जाएगा, भाई आपका काम देखा जाएगा। अगर आप इस तरह से करप्शन में लिप्त नहीं हैं, अगर आपने छुट्टियां ज़्यादा नहीं लेते, आप रेगुलर ऑफिस जाते हैं, जो जितनी छुट्टियां अलाउ है उतनी ही लेते हैं, या फिर उसके अलावा आप काम कर रहे हैं रेगुलर, तो आपको दिक्कत क्या है? और फिर जो ये हड़ताल की बात हो रही है, इसमें मजदूर संघ क्यों जा रहा है? जो सबसे छोटे लेवल पे होते हैं उनका तो करप्शन का मतलब ही नहीं बनता है, और जो मध्यम वर्गीय होते हैं, सबसे छोटे लेवल पे, वो रेगुलर जाते ही जाते हैं
काम पे और काम कर रहे होते हैं रिटायरमेंट होने तक। मतलब जो लोग मैंने ऐसे देखे 55-56-60 साल के भी होते हैं वो भी पूरी मेहनत से काम पे लगे रहे होते हैं। तो ये जो डिसीजन आया था मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ग्रेड ए बी सी सबके लिए था। तो जो लोग करप्शन में लिप्त पाए जाते जो ऊपर वाली पोस्ट पे होते हैं उन पे भी इसकी गाज गिरती। बट अब इसमें कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि ऐसा ना हो कि मज़दूरों को मोहरा बना के ऊपर से काम चल रहा हो कि ये डिसीजन वापस ले लिया जाए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये डिसीजन काफ़ी वाइज है, काफ़ी अच्छा है। अगर आप रेगुलर काम करते हैं आप में अगर कोई दिक्कत नहीं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है इस फैसले से, इस डिसीजन से। आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों इस डिसीजन पर, आप क्या सोचते हैं, क्या सरकार द्वारा लिया गया ये फैसला सही है या गलत है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर आप हमारा चैनल रेगुलर देखते हैं तो प्लीज़ देखते रहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों से रिलेटेड उनकी आवाज़ हम उठाते हैं इस चैनल पर। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।